हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का एब्ल्यू रैम्पेज स्पेशल हॉलीडे बैच हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज स्पेशल हॉलीडे बैच के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए एब्ल्यू रैम्पेज स्पेशल हॉलीडे बैच का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के एब्ल्यू रैम्पेज स्पेशल हॉलीडे बैच के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, इस वीक के रैम्पेज स्पेशल हॉलीडे बैच की शुरुआत एब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच से हुई, जहां पर हमें जंगल बॉय प्राइवेट पार्टी के आइजिया कैसिडी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहां पर इस मैच के अंदर आइजिया कैसिडी जंगल बॉय को इंजर्ड करने के लिए आए थे, जबकि इस मैच के अंदर जंगल बॉय पहले से पट्टियां पहनकर रसल कर रहे थे और इसलिए देखने में ऐसा लग रहा था कि आइजिया कैसिडी इस मैच के अंदर जंगल बॉय को काफी आसानी से इंजर्ड कर सकते हैं। पर मैच स्टार्ट होने के बाद जंगल बॉय ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर आइजिया कैसिडी और मैट हार्डी भी सरप्राइज थे। पर एक टाइम के लिए मैट हार्डी और मार्क क्वीन ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जिसका फायदा उठाकर आइजिया कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और आइजिया कैसिडी इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे, जहां पर आइजिया कैसिडी जंगल बॉय के इंजर्ड पार्ट्स जैसे कि उनकी मिड सेक्शन या फिर उनके थाइस के ऊपर अटैक कर रहे थे और आइजिया कैसिडी यहां पर जंगल बॉय को इंजर्ड करने के लिए आए थे। इसलिए इस मैच के अंदर आइजिया कैसिडी को यह मैच जीतने का मौका होने के बावजूद आइजिया कैसिडी ने इस मैच के अंदर जंगल बॉय को पिन नहीं किया और आखिर में आइजिया कैसिडी को अपनी इसी गलती के लिए पे करना पड़ा, क्योंकि फाइनली जब जंगल बॉय आइजिया कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब मार्क क्वीन ने जंगल बॉय को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर क्रिश्चियन केज ने मार्क क्वीन के ऊपर अटैक कर दिया और लुचासोरस ने जोरा जोल के ऊपर अटैक कर दिया और मैट हार्डी लुचासोरस के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी के ऊपर एक स्पीयर लगाई और इनके अंदर जंगल बॉय ने आइजिया कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्नेक ट्रैप लगाया और आइजिया कैसिडी फिनिशर सहन नहीं कर पाए और आइजिया कैसिडी ने यहां पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि जंगल बॉय मैच जीत चुके हैं, जिसका मतलब कि अभी एब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जुरासिक एक्सप्रेस नंबर वन कंटेंडर्स है और आगे चलकर जुरासिक एक्सप्रेस को एब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि हमें एब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टैग टीम चैंपियंस लुचा ब्रोस और चैलेंजर जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए रिकी स्टार्स ने बात करते हुए कहा कि डांटे मार्टिन ने टीम टेस्ट को धोखा दिया है और इसलिए रिकी स्टार्स डांटे मार्टिन को नहीं छोड़ने वाले। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रिकी स्टार्स और डांटे मार्टिन के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद रैम्पेज शो पर हमें मीरो के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो काफी जल्दी एब्ल्यू कंपनी का अपना रिटर्न करने वाले है और मीरो एज ए रिडीमर अपना बदला लेने के लिए आने वाले है, क्योंकि गॉड को लगता है कि गॉड ऑलमाइटी है, इसलिए गॉड सबके ऊपर है। पर रियलिटी है कि गॉड सबसे डरता है, इसलिए वो सबसे दूर जाकर बैठा है। पर जब मीरो अपना बदला लेंगे तो मीरो के बदले का पेन देकर गॉड को भी मुस्कुराना पड़ेगा, जो बात यहां पर मीरो ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अब मीरो का गॉड के ऊपर भरोसा उठ चुका है और मीरो गॉड के खिलाफ जाकर रेसल करने वाले है। तो देखना पड़ेगा कि हमें मीरो का एब्ल्यू कंपनी का रिटर्न कब देखने को मिलता है और एब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्न के बाद मीरो कितने तगड़े सुपरस्टार बनते हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच देखने को मिला, जहां पर हमें टीम टेस्ट बेयर ब्रॉन्सन को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही बेयर ब्रॉन्सन इस मैच के अंदर हुक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन यहां पर सरप्राइजिंग चीज ये थी कि माना कि बेयर ब्रॉन्सन हुक से काफी तगड़े है और बेयर ब्रॉन्सन हुक से साइज में लगभग दूने है और इसीलिए बेयर ब्रॉन्सन हुक के ऊपर काफी आसानी से अटैक कर पा रहे थे। पर जितनी जोर से बेयर ब्रॉन्सन हुक के ऊपर अटैक कर रहे थे, उतनी ही जोर से हुक जवाब दे रहे थे और बेयर ब्रॉन्सन के सामने साइज में छोटे होने के बावजूद हुक ने बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी सरप्राइज था। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली प्रीमियर एथलीट यानी कि टोनी नीस भी ये मैच क्राउड में बैठकर देख रहे थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें प्रॉब्ली आगे चलकर टोनी नीस और हुक के बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर बेयर ब्रॉन्सन ने हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और बेयर ब्रॉन्सन ने हुक के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर सरप्राइजिंगली बेयर ब्रॉन्सन के खड़े होने से पहले हुक खड़े हो गए और यहाँ पर हुक ने बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर बेयर ब्रॉन्सन को उठा उठाकर पटका, जो देखकर पूरा पूरा क्राउड शॉक था। और फाइनली यहाँ पर हुक ने बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर बेयर ब्रॉन्सन के ऊपर अपना फिनिशर चिकन विंग लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे हुक ने मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस मुझे लग रहा था कि प्रॉब्ली हुक बेयर ब्रॉन्सन के सामने नहीं टिक पाएंगे, पर मैं देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि हुक ने इस मैच के अंदर बेयर ब्रॉन्सन को उठा उठाकर पटका है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हुक काफी तगड़े सुपरस्टार है और आगे चलकर हुक एब्ल्यू कंपनी के टॉप स्टार बन सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एडी किंगस्टन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि माना कि डेनियल गार्सिया ने एडी किंगस्टन को एक 10-man टैग टीम मैच के अंदर हराया है, लेकिन एडी किंगस्टन चाहते हैं कि डेनियल गार्सिया और 2.0 इनके बीच में एक 6-man टैग टीम मैच हो जाए, जहां पर एक साइड में सेंटाना और ओर्टिज और एडी किंगस्टन रहेंगे और दूसरे साइड में 2.0 और डेनियल गार्सिया रहेंगे, जो चैलेंज यहां पर एडी किंगस्टन ने डेनियल गार्सिया को थ्रो किया और यहां पर डेनियल गार्सिया ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और यहां पर बात करते हुए डेनियल गार्सिया ने यह भी कहा कि 6-man टैग टीम मैच के अंदर डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन का वो हॉल करने वाले है, जो कि डेनियल गार्सिया ने क्रिस जेरिको का किया था। तो देखना पड़ेगा कि हमें एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया इनके बीच में 6-man टैग टीम मैच कब देखने को मिलता है और 6-man टैग टीम मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच देखने को मिला, जहां पर लेले हैरिस क्रिस स्टैटलैंडर को फेस कर रही थी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये दोनों ही सुपरस्टार्स रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए इस मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स फ्रेंडली रेसल कर रही थी, लेकिन एक टाइम के लिए क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के अंदर लेले हैरिस की पावर का मजाक उड़ाया, जिस वजह से लेले हैरिस काफी गुस्सा हो गई और यहां पर लेले हैरिस ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और क्रिस स्टैटलैंडर के मुकाबले साइज में छोटा होने के बावजूद लेले हैरिस ने इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और लेले हैरिस का अटैक देखकर ऐसा लग रहा था कि लेले हैरिस भूल चुकी है कि वो और क्रिस स्टैटलैंडर काफी अच्छे दोस्त थे।
और अटैक बिल्कुल वैसे अटैक था जैसे कि रियल राइवल्स करते हैं। और लेयर हैरिस ने भी इस मैच के अंदर अपनी पावर दिखाई, पर फाइनली किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर क्रिस स्टैटलैंडर ने आउट ऑफ नोवेयर लेयर हैरिस के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया, जो सबमिशन मूव लेयर हैरिस सही नहीं कर पाई और फाइनली यहाँ पर लेयर ने टैप आउट कर दिया, जिससे क्रिस स्टैटलैंडर ये मैच जीत चुकी है। पर ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने लेयर हैरिस को हैंडशेक ऑफर किया और दोस्त होने के बावजूद लेयर हैरिस ने क्रिस स्टैटलैंडर का हैंडशेक नहीं किया और लेयर हैरिस गुस्से में यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे क्रिस स्टैटलैंडर और लेयर हैरिस के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। पर गाइस इस सब की बात हमें मेन इवेंट से पहले मार्क हैंडी सैमी गवेरा और कोडी रोड्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर मार्क हैंडी ने पूछा कि कोडी रोड्स और सैमी गवेरा इनके बीच में पहले भी मैचेस हो चुके हैं, तो इनके मुकाबले इन दोनों के पहले मैचेस में और इन दोनों के अब के मैचेस में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए आर एंडरसन ने कहा कि इन दोनों ही मैचेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, क्योंकि कोडी रोड्स पहले भी टॉप स्टार थे और अभी कोडी रोड्स एक टॉप स्टार है और सैमी गवेरा चाहे जितना आगे भाग सकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स हमेशा से सैमी गवेरा से एक कदम आगे रहने वाले हैं, जो बात यहाँ पर आर एंडरसन ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि इसके पहले कोडी रोड्स और सैमी गवेरा के बीच में मैच करीब करीब 2 साल पहले हुआ था और इन 2 सालों के अंदर सैमी गवेरा ने काफी ग्रो किया है और माना कि कोडी रोड्स ने कंपनी बनाई है, लेकिन सैमी गवेरा कंपनी कैरी करने वाले है, जो बातें कहकर सैमी गवेरा यहाँ चले गए। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक रैंपेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर करंट टीएनटी चैंपियन सैमी गवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप चैलेंजर कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही सैमी गवेरा ने कोडी रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस मैच की शुरुआत में ही सैमी गवेरा कोडी रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन कोडी रोड्स किस तरीके से बच पाए और यहाँ पर सैमी गवेरा थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना किए हुए कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि सैमी गवेरा को दिखाना था कि सैमी गवेरा ने कोडी रोड्स को सरपास कर दिया है। और कोडी थोड़ा फार टाइम लेने के लिए रिंग के बाहर गए, पर सैमी कोडी को रिंग के अंदर ले आए और यहाँ पर सैमी ने कोडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और मे भी देखकर सरप्राइज था कि सैमी गवेरा इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे और कई बार सैमी ने इस मैच के अंदर कोडी के ऊपर कोडी के ही मूव्स लगाए, पर एक टाइम के लिए कोडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर सैमी गवेरा के हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और कोडी ने सैमी गवेरा के हाथों के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया। और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर कोडी और सैमी गवेरा के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉसोस लगाने के लिए जा रहे थे, पर सैमी ने रिवर्स कर कोडी के ऊपर उनका ही फिनिशर क्रॉसोस लगा दिया और यहाँ पर सैमी गवेरा ने कोडी रोड्स को पिन किया, पर कोडी किस तरीके से किक आउट कर पाए और इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर कोडी रोड्स ने सैमी गवेरा के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्रॉसोस लगाया, पर सैमी भी किस तरीके से यहाँ पर किक आउट कर पाए, जिस पॉइंट के ऊपर अरेना के अंदर आए हुए सभी लोग दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहे थे। और ये देखकर फाइनली कोडी रोड्स सैमी गवेरा के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर यानी क्रॉसोस लगाने के लिए गए, लेकिन सैमी ने इसे रिवर्स कर दिया और सैमी ने कोडी के ऊपर अपना फिनिशर यानी जीटीएच लगाया, पर फिर भी कोडी किस तरीके से किक आउट कर पाए, जो देखकर सैमी गवेरा काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और फाइनली यहाँ पर सैमी गवेरा कोडी के ऊपर अपना फिनिशर 360 सेंटोन लगाने के लिए गए, पर कोडी ने नीज ऊपर कर लिए और कोडी ने सैमी गवेरा के ऊपर लगातार 2 क्रॉसोस लगाए और फाइनली सैमी गवेरा के ऊपर डेथ वैली ड्राइवर लगाकर यहाँ पर सैमी गवेरा को पिन कर कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया है, जो कि काफी सरप्राइजिंग मूवमेंट थी। पर फाइनली मैच जीतकर कोडी रोड्स बन चुके हैं फर्स्ट एवर 3 टाइम टीएनटी चैंपियन। और गाइस मुझे लग रहा था कि सैमी गवेरा मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि सैमी गवेरा अभी अभी टीएनटी चैंपियन बने थे, पर सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया है और कोडी रोड्स बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू टीएनटी चैंपियन, जहां पर जिम क्रॉकेट ने कोडी रोड्स को टीएनटी चैंपियनशिप हैंड ओवर की और अपने मैच हारने के बाद सैमी गवेरा भी काफी फ्रस्ट्रेट थे। तो गाइस देखना पड़ेगा कि इस टाइटल चेंज के पीछे का रीजन क्या था या फिर फैंस दोबारा से कोडी को टीएनटी चैंपियन के तौर पर कैसे लेते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस रिजल्ट के ऊपर क्या कहना है और क्या आप कोडी रोड्स के नए टीएनटी चैंपियन बनने से खुश है या नहीं। पर ऐसे ही इस वीक रैंपेज ऑफर चला गया, पर आप भी ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?